देश में अमन चैन भाईचारे की कामना को लेकर जोधपुर की पूर्व महारानी हेमलता राजे ने आज से प्रारंभ की रामदेवरा के लिए पैदल यात्रा। न्यू पायलट प्रोजेक्ट कॉटन के तहत कृषि अनुसंधान केंद्र श्रीगंगानगर में नरमा कपास में पोषक तत्वों का प्रबंधन विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। राजस्थान शिक्षक एकीकृत महिला जिला जयपुर में शालिनी शुक्ला को सौंपा गया नियुक्ति पत्र। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, नारी शक्ति से ही समाज जागृति संभव। कार्मिक विभाग से संबंधित अधिकारियों एवं राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं की भर्ती हेतु जिला स्तरीय गहन परामर्श कार्यशाला 12 के मिनी सचिवालय में हुई आयोजित। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने राजसमंद के चारभुजा नाथ मंदिर में श्रृंगार झांकी के किए दर्शन। श्रीनाथ जी मंदिर के लिए दर्शन कर त्रिपुरा सुंदरी के लिए हुई रवाना। मतदाताओं को जागरूक करने व शत प्रतिशत वोटिंग करने हेतु उदयपुर में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता जागरूकता अभियान युद्ध स्तर पर जारी। उदयपुर के आयड़ जैन तीर्थ पर श्री जैन श्वेतांबर महासभा के तत्वाधान में चातुर्मासिक प्रवचनों की श्रृंखला में धर्म एवं ज्ञान से संबंधित अनेक आयोजन। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से युवा खेल प्रतिभाओं को तलाशने व तराशने हेतु जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का हुआ आगाज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे नवाचारों से राजस्थान बन रहा मॉडल स्टेट, सब ओर हो रही चर्चा। प्रतापगढ़ में जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का हुआ शुभारंभ। जिला कलेक्टर ने की खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। एयर कमोडोर सत्येंद्र शर्मा ने एनसीसी निदेशालय राजस्थान में उप महानिदेशक के रूप में कार्यभार किया ग्रहण। डीडवाना कुचामन जिले के राणासर के पास हुई घटना के मामले में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से गठित समिति आज पहुंची कुचामन। ब्राह्मण समाज को सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए जयपुर के रामनिवास बाग में 3 सितंबर को होगा भव्य विराट ब्राह्मण महासंगम का आयोजन। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर की ओल्ड पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति के निर्णयानुसार कर्मचारियों द्वारा धरना एवं विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी। और नगर निगम जयपुर हेरिटेज आयुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत ने निगम मुख्यालय में संचालित इंदिरा रसोई में साफ सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण।